मादरे मिल्लत फातिमा जिना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम जिना पूंजा और वालदा का नाम मीठीबाई था। वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की छोटी बहन थी। इब्तदाई तालीम कराची ही में हासिल की, जबकि आला तालीम के लिए कलकत्ता का रुख किया और डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डेंटल सर्जन की डिग्री हासिल की। कायदे आजम की तरह उनका ताल्लुक भी खोजा घराने से था और मादरी जबान गुजराती थी। वैसे तो कच्ची जबान बोली जाती है, मगर ज़ाहिर बातें वेल नोन जबान गुजराती है तो लोग गुजराती कहते हैं। वैसे हम लोगों की फैमिली में जबान हमारी कच्ची जबान थी। फातिमा जिना ने तालिबे इल्मी ही के दौर से सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और अपने भाई कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के साथ कदम से कदम मिलाकर सियासी मैदान में आगे बढ़ने लगी थी। फातिमा जिना के अलावा भी कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की कई बहनें थीं, लेकिन फातिमा जिना की तरह कायदे आजम की दीगर बहनों ने उनके शाना बशाना सियासी सफर नहीं किया। कायदे आजम की शादी 1918 में हो गई थी और ये शादी कोई 9-10 साल चली और 1928 में रती जिना का इंतकाल हो गया। तो उस वक्त कायदे आजम ज़ाहिर तनहा थे अपने बंगले में, तो फातिमा जिना जो हैं वो उनके साथ शिफ्ट हुई और उसके बाद कायदे आजम के इंतकाल तक फातिमा जिना का उनके साथ साथ रहा। फातिमा जिना क्योंकि पूरा तूल और अर्ज़ में हिंदुस्तान में उन्होंने सफ़र किया, कायदे आजम के सिलसिले मुसलमानों को जो है ना पाकिस्तान की तहरीक से आगाह किया और उनको बताया कि पाकिस्तान का क़याम क्यों ज़रूरी है। हकीकत ये है कि उनका एक मुकाम था पाकिस्तान बनाने में भी उनका बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने अपने भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का साथ दिया है और सारी ज़िंदगी जो है उन्होंने वक्फ कर दी थी अपने भाई के लिए और मुल्क के लिए, और उसका नतीजा आपके सामने है कि एक आज़ाद मुल्क को हमें दोनों बहन भाई मिलके देकर गए। मोहतरमा फातिमा जिना का बहुत बड़ा रोल है। कायदे आज़म को पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने डिवोट कर दी कायदे आज़म के लिए और मूवमेंट के लिए, और अगर इस तरह ना होता तो कायदे आज़म बिल्कुल अकेले ही पड़ जाते ना। मिल्लत जैसे फादर ऑफ द नेशन थे जिना साहब, तो उनके उसके उसी के अक्स था, उसकी मिरर था, उसका कॉपी थी, आईना था उसका, मदर मिल्लत मदर ऑफ द नेशन। फातिमा जिना एक बावसूल शख्सियत थी, लिहाजा उन्होंने जिंदगी भर उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की। उसके साथ साथ वो एक सादा मिजाज और नहायत ही किफायतशार खातून थी। फातिमा जिना जो थी वो बहुत बाउसूल खातून थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी उसूलों पे जीना पसंद किया, जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना। वो बहुत ज़्यादा किफायतशार औरत थी। उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी को एक लग्जरी लाइफ में नहीं गुजारा। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अपने हिसाब से ज़िंदगी के ऊपर खर्च करना और मतलब ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी जैसे जीते हैं ऐसे ही वो जीती थी। उन्होंने कभी ऐश और आराम की ज़िंदगी नहीं गुजारी। वो एक बहुत ही बाअसूल औरत थी और किसी चीज़ ऐसी बात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। बहुत किफ़ायतशार थी और एक वाक़या उनका यह है कि उनके यहाँ जितने भी मेहमान आया करते थे कायदे आज़म के ज़माने में भी, उनके लिए सिर्फ एक चाय का कप की इजाज़त थी और जो वो नाश्ता करते थे उनके लिए जो ब्रेड थी वो मेट्रोपोल से बन के जाती थी बड़े साइज़ की। तो जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उस ब्रेड को कहा, नहीं ये छोड़, हम दो आदमी हैं और इतनी बड़ी ब्रेड की क्या ज़रूरत है। लिहाजा उनके लिए स्पेशल ब्रेड बनती थी और उसका सांचा आज भी मौजूद है। फातिमा जिना ने उम्र भर शादी नहीं की, ताहम बाज़ तारीख दानों का मानना है कि उन्होंने कॉलेज लाइफ के दिनों ही में शादी कर ली थी, लेकिन वो शादी चंद माह से ज़ायद नहीं चल सकी, जबकि ज़्यादातर मौर्रख इस राय से इत्तफाक नहीं करते। हमारे ख़ानदान में कभी भी हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं बताया कि उन्होंने
शादी भी की थी, बल्कि उनको उनके लिए यही कहा गया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो थी अपने भाई के साथ मुल्क बनाने में सर्व करी, और वो अपने भाई के साथ शाना बशाना कदम मिलाकर हर जगह उनके साथ रहती थी। शादी भी जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो इसीलिए नहीं की उन्होंने कि अगर वो शादी करती और वो सब करती तो फिर वो इतना वक्त मुस्लिम लीग को और क़ायद आज़म को और मूवमेंट को कैसे दे सकती थी, वो तो फिर एक अपनी दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाती है उनकी। नहीं देखिए, ये भी गलत बात है, मैं कहता हूँ फातिमा जिन्ना ने शादी की थी लेकिन वो शादी कामयाब नहीं हो सकी, और इसके बाद क्योंकि वो डेंटिस्ट थी बुनियादी तौर पर, और उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू की बॉम्बे में, क़ायद आज़म ने एक छोटी सी क्लिनिक बना के दी थी, लेकिन ऐसा नहीं है उन्होंने शादी की थी, और मैं बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ, लेकिन वो शादी चल नहीं सकी और बहुत मेरे ख्याल 3-4 महीने से ज़्यादा शादी रह नहीं सकी। इट्स ऑलवेज पॉसिबल कि एक इंसान है वो शादी करना चाहता है, इसमें बुराई क्या है, नहीं चली। उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से दूसरी अहम बात यह है कि उन्होंने बहैसियत डेंटल सर्जन भी कभी प्रैक्टिस नहीं की, ताहम इस हवाले से भी हिस्टोरियंस की राय में फ़र्क पाया जाता है। बास का ख्याल है कि उन्होंने 1923 में बम्बई में डेंटल क्लिनिक खोला, लेकिन सियासी मसरूफियात की बिना पर उन्हें क्लिनिक बंद करना पड़ा। वो एक डॉक्टर थी, BDS किया हुआ था उन्होंने, मगर मेरे ख्याल में उन्होंने उसको अपनाया नहीं प्रोफेशन को, और वो अपने भाई के साथ पाकिस्तान बनाने में काम करती रही। वो डेंटल सर्जन थी, क्वालिफाइड थी, लेकिन उन्होंने वो इसलिए नहीं की कि वो तो पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर उन्होंने सारा वक्त अपना डिवोट करना शुरू कर दिया। अगर वो अपना प्रोफेशन इख्तियार करती, उन्होंने तो एक तरीके से उसको कुर्बान कर दिया पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर। तहरीक पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना का किरदार अहम और कलीदी नौयत का है। फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बाकायदा रुकनियत हासिल की और कायद आजम के साथ बड़े बड़े जलसों और इजलासों में शिरकत की। तहरीक पाकिस्तान में खवातीन को बेदार करने में फातिमा जिन्ना ने जो किरदार अदा किया, उसकी तारीख पाकिस्तान में कोई दूसरी मिसाल मौजूद नहीं। जो ख्वातीन को मुनज़्ज़म करने का काम था उसमें वो पेश पेश थी, और ख्वातीन का विंग बनाया गया, उसके अंदर बहुत अहम शख्सियात शामिल थी, और फातिमा जिन्ना का किरदार इसमें कायदाना नौयत का किरदार था। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि उनको हमें महदूद नहीं करना चाहिए, उनका जो किरदार है वो पूरे आवाम के लिए था। मैं ये लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ, आवाम के लिए, जैसे ख़वातीन हज़रात दोनों थे। सिर्फ क़ायद आज़म के साथ वो दोनों मर्द और औरतों के लिए काम करती थी, लेकिन हाँ उन्होंने ख़वातीन के लिए हिंदुस्तान में भी और यहाँ भी बड़ा काम किया, और उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया और उनकी ट्रेनिंग की। देखिए, जो मोटो था उनका वो ये था कि ख़वातीन लिटरेट हों और कौम की खिदमत के लिए आगे आएँ। उन्होंने कौमी रोल अदा किया है, क्योंकि वो अपने भाई के साथ साथ ही रहती थी, तो इसलिए ये कहना कि उन्होंने ख्वातीन के लिए कोई ख़ास ऐसी बात की नहीं, उनका विजन इस लिहाज से बड़ा था, ख्वातीन से बहुत बढ़ के था, एक वो अपने भाई के लिए एक मुल्क के लिए लड़ रही थी, तो इसलिए ये कहना कि वो महदूद था किसी ख्वातीन के हद तक नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक कौमी लीडर के तौर पर मानी जाती है। सिर्फ ख्वातीन नहीं बल्कि वो तो पूरे मुस्लिम लीग के पूरे मूवमेंट के अंदर लाइक एनी अदर लीडर शी यूज़ टू वर्क नेचुरली बीइंग ए लेडी, तो ख्वातीन में ज़्यादा उनका वो था हिस्सा। कायदे आज़म हर सियासी मामले पर फातिमा जिन्ना से मुशावरत करते थे, ताहम बाद उमूर पर उनकी इसलाह भी किया करते थे। फातिमा जिन्ना कायदे आज़म के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर उर्दू बोल सकती थी, लिहाजा वो कायदे आज़म की बात हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में ख़ास तौर पर ख़वातीन तक पहुँचाने में अहम तरीन किरदार अदा करती रहीं। वो सियासी तौर पर बहुत ज़ीरक थी, यानी बहुत समझदार रखती हैं, बड़ा फहम रखती थी सियासत के बारे में, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अक्सर कहते थे, फिक्की ये बताओ कि मैंने जो अभी मुस्लिम लीग के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो तकरीर की है उससे तुम मुतमईन हो या मेरी कुछ गलतियाँ हैं, तो वो आपस में डिस्कस करके वो हमेशा फातिमा जिन्ना से पूछते थे कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। इस सियासत में भी उनका बराह रास्त हिस्सा था, वो अक्सर कायदे आज़म के दौरों में उनके साथ शामिल रहीं, मुख्तलिफ इजलासों में उन्होंने शिरकत की, और फिर ख़वातीन को मुस्लिम लीग के परचम तले मुत्तहिद करने के काम में भी
उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो पाकिस्तान के क़याम की जो तहरीक है उसमें ख़वातीन के शोबे में सरकर्दा तरीन काम जो है वो फातिमा जिन्ना का था। मी एंड माई सिस्टर एंड माई पेन, तो ये तीन फैक्टर्स जो है वो जिन्ना साहब ने खुद डिफाइन किए। तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि वो जिन्ना साहब की पर्सनल लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल था, बल्कि तहरीक पाकिस्तान का जो भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसमें मिस जिन्ना का बड़ा ही बुनियादी रोल था। एंड इट वॉज अ रोल मोर देन एनी बडी इन द मुस्लिम लीग हु कुड एवर क्लेम कि मैं कोई बहुत बड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल था तो वो और यकीनन था, और वो था मिस जिन्ना का। इन्होंने डिस्कशन हुई थी हसरत महानी के बारे में, मिस फातिमा जिन्ना ने कोई कहा कि ये तो इज़ अ ट्रेटर या ऐसी कोई बात कही, तो जिन्ना साहब ने उनको तंबीह की उनकी, देखें हमारा इख्तलाफ है लेकिन फातिमा यू शुड नॉट से दिस। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सिर्फ एक साल बाद ही यानी सितंबर 1948 में इंतकाल हो गया, जिसके फौरी बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। लियाकत अली खान समेत तमाम सियासतदानों में शदीद इख्तलाफ पैदा हो गए और इख्तदार की रस्सा कशी शुरू हो गई। फातिमा जिन्ना का ख्याल था कि कायदे आज़म के इंतकाल के बाद उन्हें पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, ताहम उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार खुलकर कभी नहीं किया, लेकिन निजी मुलाकातों में उन्होंने गवर्नर जनरल बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। कायदे आज़म की रहलत के वक्त जो है उनको ये उम्मीद थी कि शायद उनको कायदे आज़म की जगह जो है गवर्नर जनरल बनाया जाए, और ये बात उन्होंने मुझसे कही। इसमें उनको बल्कि लियाकत अली खान से बड़ी शिकायत भी हो गई थी। मुझसे फ्रैंक बात में उन्होंने कहा कि जब ये हुआ कायद आज़म के इंतकाल हुआ तो उसके बाद काफ़ी पब्लिक ने ये डिमांड किया, और उनके अल्फाज थे ये कि लोगों ने लेटर लिखे टेलीग्राम भेजे लेकिन लियाकत अली खान ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये उनका एक रिग्रेट थी और उन्होंने मुझसे बिल्कुल पर्सनली इस तरह बैठ के बात की। वो गवर्नर जनरल बनना चाहती थी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रहलत के बाद, लेकिन ज़ाहिर है कि जब, लेकिन एक बात भी याद रखिए कि जब उनको कम्बाइंड अपोजिशन पार्टीज ने पाकिस्तान में उनको सदारती उम्मीदवार बनाया और उनको उनसे दरख्वास्त की कि वो इस स्ट्रगल को लीड करें, तो वो उसी ख्वाहिश की बुनियाद पर उन्होंने ये सदारत मंजूर की थी। मैंने कोई ऐसी तहरीर नहीं देखी या ऐसा कोई उनका बयान नहीं देखा जिसमें कभी किस किस्म का उन्होंने इशारा दिया कि वो गवर्नर जनरल बनना चाहती थी, और ऐसी कोई चीज़ तहरीरी शक्ल में तो मैंने आज तक नहीं देखी कि फातिमा जिन्ना गवर्नर जनरल बनना चाहती थी। ना तो कायद आज़म की ज़िंदगी में इस तरह का कोई इशारा सामने आया, ना उनके इंतकाल के बाद। अब ये किसी की ज़ाती अपनी याद हो तो हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। लियाकत अली खान के दौर में उन पर बोलने और ख़ास तौर पर प्रेस से बात करने पर पाबंदी लगा दी गई। यही वजह है कि लियाकत अली खान और उनकी अहलिया राणा लियाकत अली खान से उनके शदीद इख्तलाफात थे। इख्तलाफात जब इंसान सियासत में आता है ना तो उसको जाहिर बात है बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, दूसरों से भी होते हैं, दूसरों को उनसे होते हैं, मगर वो जो थी ना वो अपनी ज़िंदगी को एक अपने उन्होंने उसूल बनाए हुए थे, उसी के ऊपर वो चलती थी और पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती थी। जाहिर उसकी तरक्की के लिए उन्होंने सियासी कदम भी उठाए और सियासत में आई, मगर ये है कि वो एक उसूल पसंद औरत थी ना, तो वो किसी की कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई के इंतकाल के बाद उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, वो कोई बात नहीं करती थी, कोई बयान नहीं देती थी, और तकरीबन मेरा ख्याल है 51 तक तो उनके ऊपर पाबंदी रही है। तो एक चीज़ समझ में आती है वो ये है, जो कि मतलब एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ आपको ले जाती है कि वो थ्रेट महसूस कर रहे थे, तो उनको डर था कि अगर ये सियासत में आ जाती हैं
तो फिर ये जो उनकी जो सियासत है वो ख़त्म होकर रह जाएगी एंड शी विल ओवर पावर ऑल ऑफ देम। तो बिटरनेस तो मिस जिना में और लियाकत अली खान में थी, इसलिए उनके ऊपर पाबंदी रही कि वो कई साल तक रेडियो पाकिस्तान पे भी सालाना जो इवन जो वो 14 अगस्त के दिन भी पैगाम नहीं नशर कर सकती थी। बल्कि एक दफ़ा ये भी हुआ है कि रेडियो पाकिस्तान से उनकी जो तकरीर के दौरान उनको काट दिया गया। सो दिस वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान एंड मिस जिना वाज वेरी वेरी बैड, टोटली डाइल्यूट कर दिया गया। शी वाज सिटिंग जस्ट अ प्रिजनर इन हाउस, मतलब वो कि जिना साहब की जो जो घर था या उसका जो पैलेस था उसमें वो कैदी थी, कुछ भी नहीं था उनका। जिना का लियाकत अली खान से ज़्यादा राणा लियाकत अली खान से कुछ शख्सियतों का तसादुम था, तो ऐसा हो सकता है। मैंने शख्सियतों के तसादुम भी होते हैं, वो एक पेज पे नहीं होती, हर चंद के वो किसी बड़े सियासी मिशन में हम सफ़र भी होते हैं। बाद मौरखीन और तारीख से वाकिफ अफराद का कहना है कि फातिमा जिना को एक सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत सियासत से अलग थलग किया गया था, लिहाजा वो खामोश जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई थी और अपना ज़्यादातर वक्त खवातीन की तालीम व तरबियत और फलाही कामों में सर्फ करने लगी थी। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद फातिमा जिना पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म तो हुई, लेकिन उस वक्त तक उन्हें मुल्की सियासी उमूर में गैर मौसर कर दिया गया था। क़ायदे आज़म के इंतकाल के बाद फातिमा जिना तो अमली सियासत से तो बिल्कुल अलग रही और उनका बेशतर जो उनकी मसरूफियत थी वो रिफाई नौइयत के कामों की थी। वो ख़वातीन के मसाइल के हवाले से बहुत पेश रहीं, चीज़ों को हल कराने में उनके पास अपना एक छोटा मोटा सेक्रेटेरिएट भी था, लोगों के ख़त आते थे, वो खतूत के जवाब देती थी, जहाँ जहाँ वो लोगों की मदद कर सकती थी वो मदद करती थी, सियासत में उनका कोई रोल नहीं था। तो उनका ये एक एक एम था कि हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो लेडीज़ हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और मर्दों के शाना बशाना अपना अपना अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। इसलिए वो चाहती थी कि जो भी लेडीज़ हैं वो आएं और पॉलिटिक्स में आएं और अपना नाम और हर शोबे में अपना एक नाम बनाएं। फातिमा जिना नौजवानों और स्टूडेंट्स के हवाले से बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ रखती थी और सियासत समेत ज़िंदगी के हर शोबे में उनकी हौसला अफजाई की हामी थी। वो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। देखिए उसकी वजह यह कि क़ायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद भी मतलब अलीगढ़ हो या कहीं भी हो, वो हमेशा स्टूडेंट से उम्मीद रखते थे कि यही वो क़ुव्वत हैं जो आइंदा मुल्क को संभालेंगे। ये बड़े फहम रखने वाले लोग थे, बड़े समझदार लोग थे, इनकी गुफ्तगू भी बड़ी मतलब कि दिलनवाज हुआ करती थी। तो मोहतरमा फातिमा जिना बहुत अज़ीज़ रखती थी तलबा को और वो कहती थी कि तलबा के अंदर जो क़ुव्वत है, जो तवानाई है और जो आगे बढ़ने का जज्बा है, यही पाकिस्तान का जज्बा है। क़ायदे आज़म और फातिमा जिना ने उस दौर में सियासत की कि जब दुनिया में कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट तहरीकों का दौर दौरा था, लेकिन फातिमा जिना क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की तरह बरतानवी जमहूरियत को रोल मॉडल के तौर पर समझती थी और उसी तरह की जमहूरियत पाकिस्तान में नाफिज करना चाहती थी। वो जमहूरी निज़ाम हुक्मरानी की ज़बरदस्त हामी थी। मैं उनसे एज ए रिपोर्टर भी उनसे किसी और सिलसिले में मिला था और उनका कोई नजरानी तौर के ऊपर जो है वो तो बिल्कुल मॉडर्न ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हम यहाँ अडॉप्ट करना चाह रहे थे, शी वॉज जनरली पॉलिटिकल सिस्टम में तो शी यूज़ टू बिलीव इन दैट, उसी के लिए उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। ऑफकोर्स पाकिस्तान आइडियोलॉजी वो तो हमारी बेसिक आइडियोलॉजी और ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन जहाँ तक के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी का है, वो वही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, वही उनकी ट्रेनिंग थी और वही क़ायदे आज़म की भी सहारा वही थी। ये एक सिंबल थी वो जमहूरियत की, एक जैसे अक्रियनों का जब इंतकाल हुआ वहाँ पे अक्रियनों को मारा गया फिलीपींस में,
तो उनकी बीवी जो थी कोराजा है ना फिर उनको उसके लिए मिली ना, उनको इलेक्शन में हुआ, वो जीती प्रेसिडेंसी। अगर ये इलेक्शन अदर फ्रेंचाइज से होता तो मिस जिना जीत जाते हैं। अयूब खान ने जो कुछ भी किया वो मुखालफत में, पॉलिटिक्स में मुखालफत में, क्योंकि मिस जिना वॉज प्रोबेबली द लास्ट होप फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है वो आइडेंटिफाई हो रहा था जिना से और जिना की धैन से, और वो था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा भी दौर गुजरा है कि जब हर दूसरे महीने मुल्क का वजीर आजम बदलता था और सियासतदानों में इख्तदार की हविस उरूज पर थी। ये फातिमा जिना के लिए बहुत तकलीफ दे दौर था कि जिसकी वजह से वो कर्म में तो मुब्तला रहती थी लेकिन कोई सियासी एक्शन लेने की पोजिशन में नहीं थी। लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं थी पाकिस्तान के हालात से। अयूब खान का जब मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त एक बयान उनका ज़रूर आया था जिसके अंदर उन्होंने जो मुल्क के हालात थे उस वक्त के, जिन हालात में वो मार्शल लॉ लगा था, उन हालात से अपनी बदजनी का इजहार किया था, मायूसी का इजहार किया था। फिर पाकिस्तान के सियासी उफक पर एक ऐसा भी दौर आया कि जब मुल्क में सियासत हराम करार दे दी गई और फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने इख्तदार पर कब्जा कर लिया। जनरल अयूब खान के हवाले से ये बात भी नहायत अहम है कि कायद आजम ने सजा के तौर पर उन्हें ईस्ट पाकिस्तान भेज दिया था। कायद आजम अयूब खान को अफकार और किरदार की वजह से नापसंद करते थे, यानी कायद के नापसंदीदा तरीन फौजी जनरल ने कायद के पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जा कर लिया। अयूब खान वो आदमी हैं जिनके बारे में जिना साहब के एक्सप्रेस्ड नहीं ऑर्डर थे कि इनको रिटायर कर दिया जाए पॉलिटिक्स से, आर्मी से, और सिकंदर मिर्जा ने उस फाइल को छुपाए रखा। अयूब खान को अगर वो रिटायर कर देते तो नॉर्मन तेल होता और ना राधा नाचती ना अयूब खान हुकूमत में आती। फिर अयूब खान ने कायद आजम के मुकर्रर करदा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को एक नया शहर आबाद करके कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। इस पर फातिमा जिना ने शदीद रद्देअमल का इजहार किया। मिस जिना वाज नेवर इन फेवर ऑफ शिफ्टिंग कैपिटल टू रावलपिंडी। भाई आप बताएं कि रावलपिंडी शिफ्ट करने का आखिर सेंस क्या था, सवाय इसके कि भाई वो जीएचक्यू में पावर शिफ्ट हो रही थी और पावर शिफ्ट हो गई। देखिए फातिमा जिना के रद्देअमल के बारे में तो अखबार भरे पड़े, उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया, उन्होंने कहा कि कराची को शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। बल्कि आपको मालूम है कि गडाप के करीब जो इलाका है ये ऑलरेडी मख्स कर दिया गया था कैपिटल के लिए, लेकिन बाद में आपको मालूम है कि जो कुछ हुआ वो एक तारीख है, उस पर क्या बात करनी। लेकिन यह है कि कराची को शिफ्ट करने के सिलसिले में न सिर्फ कराची के अवाम बल्कि फातिमा जिना जो थी वो भी बहुत नाराज़ थी, बहरम थी, और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई कदम उठाया जाए, लेकिन वो कदम उठाया गया और कराची से शिफ्ट हो गया कैपिटल इस्लामाबाद। ये जो कैपिटल शिफ्ट हुआ या जो कि जो भी फैसले किए गए थे और जो मार्शल लॉ गवर्नमेंट ने फैसले किए थे उनसे तो वो डिड नॉट एग्री विद दैट। अयूब खान ने अपनी मार्शल लॉ हुकूमत के दौरान बुनियादी जमहूरियत यानी बेसिक डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाया, जिसकी फातिमा जिना समेत तमाम जमहूरी हलकों ने मुखालफत की। मुल्क भर से 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स मुंतखब किए गए, 40,000 डेमोक्रेट्स का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था जबकि बाकी 40,000 बेसिक डेमोक्रेट्स मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। अयूब खान का बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम था जिसे बीडी सिस्टम कहते थे, उसमें 80,000 अराकीन थे, 40,000 मगरबी पाकिस्तान में और 40,000 मशरकी पाकिस्तान में। तो सदारती इंतखाब में वोट इस इलेक्टोरल कॉलेज ने देना डालना था, यानी ये 80,000 अरकान जो थे बीडी मेंबर्स इन्होंने वोट डालना था। बेसिक डेमोक्रेसी का ढांचा था, 80,000 इलेक्टोरेट से तो उनको ज़रा काबू करना बड़ा आसान था, और आपको पता है उसमें कहते हैं कि बहुत मैसिव प्रेशर गवर्नमेंट का और रिगिंग हुई है। उससे पहले जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की भी इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइज होती थी, यानी कि हमारा वोट जो है वो आदमी खुद कास्ट करता था। लेकिन बेसिक डेमोक्रेट सिस्टम में यह था कि
इनडायरेक्ट वोट हो गया कि 1000 वोटर्स जो हैं वो एक बेसिक डेमोक्रेट को चुनेंगे और फिर वो डालेगा, तो फिर आप सारे मुल्क को तो नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते, लेकिन आप वो जो चंद हज़ार जो बेसिक डेमोक्रेट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर जनरल अयूब खान ने 1964 में सदारती इंतखाबात का ड्रामा रचाया और बेसिक डेमोक्रेट्स की बुनियाद पर सदारती इलेक्शन का ऐलान किया। इस पर अपोजिशन ने एडल्ट फ्रेंचाइज यानी एक फर्द एक वोट की बुनियाद पर इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया, मगर अयूब खान ने किसी की एक ना सुनी। उसके बाद हिजब इख्तलाफ यानी कंबाइन अपोजिशन ने सदारती इलेक्शन के लिए अपना मुत्तफ़िका उम्मीदवार फातिमा जिना को बनाया, जिसका मकसद अयूब खान को खाली मैदान नहीं देना था बल्कि मुकाबला करना था। तो ये तो सिस्टम ही अयूब खान का बनाया हुआ था, तो इस सिस्टम के अंदर इंतखाब लड़ना, ये इस जहन के साथ इंतखाब लड़ा गया था कि अयूब खान के सिस्टम ही के अंदर हम इंतखाब लड़ रहे हैं, तो कामयाबी तो शायद ना हो लेकिन कम से कम इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसों के दौरान हमें मौका मिलेगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाने का। दिलचस्प बात यह है कि जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी भी कंबाइन अपोजिशन का हिस्सा थे कि जिन्होंने अयूब खान के बारे में सख्त मौकफ इख्तियार किया। अगरचे फातिमा जिना इसके लिए राजी नहीं थी, ताहम जब कंबाइन अपोजिशन के अहम रहनुमा फातिमा जिना के पास अपनी ख्वाहिश लेकर पहुंचे तो वो इलेक्शन लड़ने और अयूब खान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गईं। हिजब इख्तलाफ की सारी जमातें यकजा हुईं और उन्होंने कंबाइंड अपोजिशन पार्टी या COP के नाम से अपना इत्तेहाद बनाया। अब सवाल ये था कि अयूब खान के मुकाबले में किसको मैदान में उतारा जाए। दो तीन नाम पेश नज़र थे जिनमें जनरल आज़म खान का नाम भी था, एक आध जमात का ख्याल था कि AK ब्रोही साहब को जो वकील थे उनको अयूब खान के मुकाबले में खड़ा किया जाए, लेकिन फिर हिजब इख्तलाफ़ की जमातों में एक नाम मुतारिफ हुआ कि मोहतरमा फातिमा जिना को कैंडिडेट बनाया जाए, लेकिन सवाल ये था कि उनको राज़ी कौन करे। सो फिर हिजब इख्तलाफ के कुछ रहनुमा जिनमें ख्वाजा नाज़मुद्दीन चौधरी, मोहम्मद अली, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, शेख मुजीबुर्रहमान, ये लोग थे, इन्होंने फातिमा जिना से मुलाकात की और उनको आमादा किया। सदारती इलेक्शन के लिए मोहतरमा को तो परसुएड किया, बाकायदा उन्होंने कन्विंस किया था जो कंबाइंड अपोजिशन बनी थी और उसमें ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का ख़ास किरदार था, वो ख्वाजा साहब को बहुत मानती भी थी, तो उन लोगों ने परसुएड किया था, लेकिन जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उन्होंने उसके लिए उसी तरह काम किया। अयूब खान एक मुतलकुल अनान हुक्मरान थे जिनके पास बेपनाह इख्तियार थे, जिसकी वजह से बड़े बड़े सूरमा अयूब खान के सामने ढेर हो चुके थे, लिहाजा जब कंबाइन अपोजिशन ने फातिमा जिना को अपना मुत्तफ़िका उम्मीदवार नामजद किया तो उस मौके पर नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने मशहूर ज़माना फ़िक्रा कहा कि पाकिस्तान में अभी कोई ऐसी हथकड़ी ईजाद नहीं हुई है कि जो फातिमा जिना के हाथों में पहनाई जा सके। ख्याल ये था कि जिसको भी कैंडिडेट बनाया जाएगा अयूब खान की हुकूमती मशीनरी उसको परेशान बहुत करेगी और इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पे किसी ने ये कहा कि फातिमा जिना को खड़ा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अभी वो हथकड़ी ईजाद नहीं हुई जो क़ायद आज़म की बहन के हाथों में डाली जाए। ये जुमला जो है ये नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने एक से ज़ायद मरतबा अपनी तकरीरों में भी दोहराया, अपने इंटरव्यूज़ में भी इसका इजहार किया। जो अयूब खान के ख़िलाफ़ जो अलायंस बना था उन लोगों ने उनको खड़ा किया था, उन्होंने खुद पर्सनली कोई इतना उसके अंदर इनिशिएटिव, ये ज़रूर है कि उनका एक कन्विक्शन था और वो शुरू से था उनका कि जो पाकिस्तान में ख़राबियाँ हो रही हैं, जो करप्शन हो रहा है और जो हम हट गए अपने एम से, उसके अंदर उनका कन्विक्शन था और वो उन्होंने बड़े जोश और जज्बे के साथ उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया ये चीज़। लेकिन ये है कि उन्होंने खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था उसके अंदर, ये तो जब इन लोगों ने प्रपोजल लेके गए और ख़ासतौर से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन उनके पास गए और इन लोगों ने कहा तो उनके कहने पर उन्होंने एग्री किया उसको।
صدارتی الیکشن کی مہم شروع ہوئی تو فاطمہ جنہ کی کردار کشی کی مہم بھی شروع کر دی گئی۔ ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب نے کراچی میں ریلی کے دوران فائرنگ اور ہنگامہ آرائی کر کے اپنے باپ کی دی ہوئی ناجائز ریاستی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت ایوب خان کی کنونشن لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے نے فاطمہ جنہ کی کردار کشی کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ فاطمہ جنہ کو غدار اور ملک دشمن تک قرار دیا گیا اور ان کی نازیبہ تصاویر اخبارات میں شائع کروائی گئیں۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں تک کہا کہ اگر ایک عورت ملک کی سربراہ بن گئی تو ملک مشکلات سے دوچار ہو جائے گا۔ کیونکہ حزب اختلاف کی جماعت میں نیشنل عوامی پارٹی بھی شامل تھی اور نیشنل عوامی پارٹی کے رہنماؤں میں ولی خان صاحب شامل تھے اور ولی خان کے جو والد ہیں خان عبدالغفار خان، ان کے بارے میں پاکستان کی ماضی کی حکومتیں ان کو غدار کہتی رہی تھیں، جو پاکستان میں ایک روایت ہے مخالفین کو غدار کہنے کی۔ یہ غدار سازی تو پاکستان میں یہ ہوتی رہی ہے اور ایک وقت کے غدار اگلے وقت کے محب وطن اور ایک وقت کے محب وطن اگلے وقت کے غدار قرار پاتے رہے۔ ہاں، انہوں نے کافی کریکٹر اسیسینیشن کی ایوب خان ہے، جو کہ تاریخ بتاتی ہے۔ اصولی طور پر ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے سامنے بیٹھ جاتے، دیٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر، ایک مارک آف رسپیکٹ کہ فاؤنڈر آف دی کنٹری کی مشیرہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ لیکن انسان طاقت کے نشے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ ایک تو بھٹو صاحب تھے جو کنونشن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، وہ مطلب یہ کہ وہ ان کے یہ الفاظ تھے کہ اگر فاطمہ جنہ جیت گئی اور وہ کچھ سزا مل گئی پاکستان کی تو ایک عورت ملک نہیں چلا سکتے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو وہ زیادہ مطلب ایوب خان کے ساتھ بھی تھے، ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، ان کو اپنا باپ سمجھتے تھے۔ اور اس نظر حرکتیں لوگوں نے کی، ان کی تصویریں چھاپی بہت پرانی ان کی کبھی نوجوانی کی، جس میں وہ کہیں اسکرٹ پہنے ہوئے ہیں، کچھ ہے اس طرح ایکسپلورٹ کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں نے بہت مسلیڈ کیا۔ ارے جہاں جہاں بھی الیکشن ہوئے اس میں ایوب خان جیتے، لیکن کراچی میں ان کی شکست ہوئی۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک یہ تھی کہ یہاں پہ انہوں نے ان کے صاحبزادے نے وہ جلوس نکالا تھا اور پھر لیاقت آباد میں فائرنگ بھی تھی جی، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے خود ایوب خان نے ایک بات کہی جو کہ لوگوں کو بہت بری لگی اور گرہ لگی کہ پھر آپ کہاں جائیں گے، آگے سمندر ہے، یعنی یہ مہاجروں کو انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے کہا۔ یہ ان کو بالکل ایسے ہی اپوزیشن لیا گیا جیسے عام اپوزیشن ہوتی ہے، آج بھی اپوزیشن کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، آج تک گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی ہوتی تھی۔ تو ان کا جو وہ جو قائد اعظم کی بہن یا مسلم لیگ کی لیڈر ہونے کا ان کا جو اسٹیٹس تھا وہ ہمیشہ ہٹ ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے نہ ان کی پاورس رہیں، نہ گورنمنٹ ان کی سنتی تھی، اور نہ ہی وہ کسی کو ڈائریکٹ انسٹرکشن دے سکتی۔ الیکشن مہم کے دوران فاطمہ جنہ نے بھی حالات اور مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا اور عوام سے جمہوریت کی بالادستی کے لیے ووٹ دینے کی اپیل کی۔ عوام نے تو اپنا خیالات دے چکے ہیں، جدھر بھی میں گئی ہوں ادھر بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے۔ دوسری طرف جنرل ایوب خان بھی جلسوں سے خطاب کرتے رہے اور عوامی جلسوں میں ترقیاتی کاموں پر خرچ کی گئی رقم گنواتے رہے۔ اب جو تیسرا پنج سالہ منصوبہ ہے اس پر 5,200 کروڑ روپیہ خرچ ہوگا۔
अब हमारे जैसे मुल्क के लिए 5,200 करोड़ रुपया कोई थोड़ी जैसी चीज नहीं है, और 5,200 करोड़ रुपए को खर्च करने के लिए अपने मुल्क में ये इस्तेदार पैदा करनी, ये बताते खुद एक बहुत बड़ी मौजे की बात है। सदारती इलेक्शन के नतायज तवक्को के ऐन मुताबिक थे, यानी अयूब खान ने अपनी ताकत और इख्तियारात का भरपूर फायदा उठाया। रियासती मशीनरी ने जी भर के धांधली की और बेसिक डेमोक्रेट्स की मदद से इलेक्शन जीत लिया गया। लेकिन इस खुली धांधली के बावजूद फातिमा जिना ने कराची और बंगाल के मुतअद्दिद शहरों से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मशरकी पाकिस्तान में 40,000 डेमोक्रेट्स में से 18,000 डेमोक्रेट्स ने फातिमा जिना के हक में वोट दिया। ये ना सिर्फ हैरानकुन बात थी, बल्कि इससे ये भी साबित हुआ कि फातिमा जिना मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान आखिरी पुल का किरदार अदा कर रही थी, जो आने वाले वक्त ने साबित भी किया, और फिर मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग हो गया। यही बात सबसे अहम बात है कि अयूब खान के निज़ाम के तहत इंतखाब लड़ रहे हैं और फातिमा जिना जो हैं उनको मशरकी पाकिस्तान में, ढाका तो सिर्फ एक शहर की बात आप कर रहे हैं, पूरे मशरकी पाकिस्तान में 40,000 बीडी मेंबर्स में से 18,000 से ज़्यादा बीडी अरकान ने फातिमा जिना को वोट दिया। ये आँख खोलने वाली बात है, और मैं इसीलिए अपने सेमिनारों में ये बात कहता हूँ हमेशा कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान आखिरी पुल जो था वो फातिमा जिना को फरवाया गया। और इस सिलसिले में आप अगर आर्काइव्स देखें और पुराने अखबार पढ़ें जिनमें इंडिपेंडेंट लोगों के राइटिंग्स मौजूद हैं, और वो ये बताएंगे कि वो बिल्कुल जीत चुकी थी। लेकिन बाद अखबार ने ये भी लिखा, मैं आपको बताऊं कि नवाए वक्त के बैन सतूर में भी ये बात लिखी गई कि फातिमा जिना इंतखाबात जीत चुकी। जो बेसिक डेमोक्रेसी थी उसके अंदर जो बी डी मेम्बर्स हुआ करते थे, हमने उस वक्त, हमें याद है कि बहुत से बी डी मेम्बर्स रात को गायब हो गए, और उसके बाद जब पोलिंग हो गई तो एक दो दिन के बाद बी डी मेम्बर्स वापस अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में आ गए, तो बिल्कुल रिगिंग हुई थी। नहीं नहीं, उनका बेसिक डेमोक्रेसी में तो उनको कामयाबी हुई, लेकिन सिस्टम ही उनकी तरफ था ना, वो बेसिक डेमोक्रेट थे जो कि उनके पर उनके एहसानात थे, उनको पेमेंट होती थी बेसिक डेमोक्रेट्स को, उनको अख्तियार दिए गए थे, तो उनको तो कंट्रोल करना बहुत आसान था, डिप्टी कमिश्नर्स और चीफ सेक्रेटरीज वगैरह उनको कंट्रोल करते थे कम्प्लीटली। आई मीन देयर इज, अगर किसी को डाउट है तो मेरे ख्याल से फिर कम्प्लीटली इट वॉज कम्प्लीटली रिग्ड इलेक्शन। ये तो हमने पाकिस्तान में अव्वल तो कभी कोई इलेक्शन ऐसा हुआ भी नहीं जो रिग ना हुआ हो, और अयूब खान उस वक्त पूरी पावर में था। सदारती इलेक्शन में धांधली और अयूब खान की जीत के बाद फातिमा जिना कोशानशीन हो गई, और फिर वो बहुत कम लोगों से मिला करती थी। सितम यह है कि इन हालात में भी रियासती मशीनरी फातिमा जिना को तंग करने से बात नहीं आई। उनके घर आए रोज चोरियां होने लगी, जिसकी उन्होंने मुतअद्दिद बार पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन हर बार नए नए बहानों से उन्हें खामोश करवा दिया गया। क्योंकि मैं उस वक्त एक जूनियर रिपोर्टर था, नया नया अखबार हमारा निकला था, तो उनका मैं गया था इसलिए कि उनके यहाँ कुछ चोरी हो गई थी, ये सर्वेंट्स है ना ये चोरी करते थे, और उनके यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी थी, कायद आज़म की बहुत सी चीज़ें थी, तो उसमें से लोग निकाल कर ले जाया करते थे उसमें से, तो मैं इस सिलसिले में उनके पास गया था, तो बड़ी मुश्किल से मेरी उनसे बातचीत हुई। लेकिन जब वो उन्होंने कहा भाई मुझे पुलिस ने मना कर दिया था कि आप ये तुम प्रेस से बात मत करना इसके ऊपर, क्योंकि वो चोर हम पकड़ने में मुश्किल हो जाएगी, और ये लेकिन वो काफ़ी दिन वो इंतज़ार कर चुकी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो हो चुका हो वह, तो तुम्हें बात करूँगी। कपड़े कुछ टाइयाँ पुरानी और कुछ उनके जो शेरवानियाँ वगैरह और बटन वगैरह होते थे ना, उस किस्म की चीज़ है। तो बाद में जो है वो पाकिस्तान में चोरी चिकारी का तो रवाज शुरू हो गया, तो भाई उसके घर में भी चोरी हुई होगी, यकीन चोरी हुई होगी, लेकिन कोई हेल्प करने वाला तो नहीं था ना। देखिए अगर चोरी हुई और वो चोरी नहीं पकड़ी गई और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो इसके माने ये हैं कि भाई चोरियाँ कराने वाले भी वही थे, पाकिस्तान में पुलिस की मदद के बगैर चोरी होती नहीं है। फातिमा जिना का इंतकाल 9 जुलाई 1967 में हुआ। उनकी मौत के हवाले से मुतजाद आरा मौजूद हैं।
बास का कहना है कि वो हार्ट फेल होने की वजह से इंतकाल कर गई, जबकि बास के ख्याल में उन्हें गला घोंट कर कत्ल किया गया। मगर ये हकीकत है कि उस वक्त के शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों ने कोशिश के बावजूद फातिमा जिना का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। जब मेरी मेरी नानी और जेना बाई उनका नाम था, और वो और मेरी वालदा सुल्ताना मलका सुल्ताना, ये दोनों जब इतला मिली ख़ानदान में कि जी उनकी डेथ हो गई है, तो वो गई थी वहाँ मेहता पैलेस। तो मेरी मदर ने ये हम लोगों को आके बताया था कि जब उनको नहला के वापस लाया गया तो उनके गले पे ना उंगलियों के निशान थे, जैसा लगता था कि वो उनका किसी ने गला घोट के उनको मारा है, क्योंकि वो सबसे ऊपर टॉप में एक रूम होता था जो आज भी है, जाहिर बात है वहाँ वो सोया करती थी। तो वो मुर्दा हालत में ही पाई गई थी। 67 में उनकी डेथ हुई, मैं खुद 16 बरस का था, मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें याद हैं। और ये बड़ा जो एटलीस्ट जो कराची के पब्लिक थी, कराची के आवाम थे, वो ये मानने पर तैयार नहीं थे कि फातिमा जिना का इंतकाल हुआ, जबकि वो एक रात पहले एक शादी की तकरीब में गई थी, और उसी रात को लेट अर्ली मॉर्निंग ये ऐलान हुआ कि फातिमा जिना जो है वो इंतकाल कर गई हैं। तो पहली बात तो कि कराची की पब्लिक, यहाँ की लोकल पब्लिक ये मानने पर तैयार नहीं थी इसकी कॉज ऑफ डेथ को। मैं इस वाक्य में ये बिल्कुल समझता हूँ कि मिस जिना को कोई ना कोई अननेचुरल तरीके से मारा गया, क्योंकि जो उनके गुसल देने वाली खातून थी उनको कुछ निशानात मिले थे जो उनकी गर्दन पे भी थे और कुछ इस तरह के से। तो मैं समझता हूँ कि मिस जिना जो है वो पॉलिटिकली ख़तरा तो थी उस वक्त की, जो भी अयूब खान की एस्टेब्लिशमेंट थी, तो इसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज शी वॉज नॉट नेचुरली, शी डिडंट डाई नेचुरली। और फिर जो 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 हुकूमत का रवैया है और जिस तरह के दूसरे लोगों के जो रवैये सामने आते हैं, तो लगता सब कुछ है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था ना। नहीं समझता, देखें बात यह है कि वो इतनी फ्रेजाइल थी, इतनी कमज़ोर थी अपने बिल्कुल भाई की तरह, और बीमार रहती थी, तो किसी को ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये एक थ्योरी एडवांस हुई थी कि भाई वो नेचुरल डेथ नहीं हुई है, शुबा जाहिर किया जा रहा था कि शायद कोई दूसरा तरीका अख्तियार किया गया है, लेकिन मैं नहीं समझता उससे किसी को क्या गेन होना था। इत्तफाक से मैं कोई पांचवा छठा आदमी था जो वहाँ पहुँचा हूँ। हुआ ये कि जब उनकी डेथ हुई और उसकी खबर हुई, तो सबसे पहले इस्फहानी साहब वहाँ पहुँचे अपने लोगों को लेकर, MH इस्फहानी साहब, उनसे उनका बड़ा ताल्लुक भी रहता था और वो लोग काफ़ी ख्याल रखते थे उनका। तो उनकी टीम में कोई साहब थे, एक लड़का था जो हमारे यहाँ पे लिखता विकता था, उसने मुझे फ़ोन कर दिया। तो मैं फौरन ही टैक्सी लेके, उस दिन छुट्टी का दिन था शायद, तो मैं वहाँ पहुँच गया। और वह सीन ये था कि वो उस वक्त वो बर्फ़ की सिल्लियाँ लेकर आए थे और वो ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उसको, उसमें लोग भी पूरे नहीं थे पूरे, और वो सब लोगों को जमा वमा कर रहे थे और इस तरह का नक्शा था। और डॉक्टर उसके लिए बॉडी को एम्बामिंग करने के लिए डॉक्टर ने काम शुरू किया था उसी वक्त। तो मैं अंदर तो नहीं गया बेडरूम में, बट मैं नीचे था बिल्कुल वहाँ। उस वक्त तक कोई प्रेस का कोई और दूसरा आदमी नहीं पहुंचा था, कोई फोटोग्राफर भी नहीं पहुंचा था, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसा कुछ भी होता ना, इस्फहानी साहब खुद खड़े हुए थे वहाँ, सुपरवाइज कर रहे थे हर चीज़, तो वो सब इंतजाम हो रहे थे, और ऐसी कोई बात उस वक्त नहीं हुई। मैंने उनको देखा तो नहीं, लेकिन मैं तो पाँचवा छठा आदमी था जो वहाँ पहुँचा था। इंतकाल उनका नेचुरल कॉजेस से हुआ था, ये गलत है कि मर्डर किया गया था, ये गलत है, और उनकी काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी। जो कुछ है वो अखबारों में छपने वाली लोगों के शकूक व शुबहात हैं, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि कोई इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात भी की गई, और की गई तो वो रिपोर्ट कहाँ है और किसकी कस्टडी में है। जब फातिमा जिना का इंतकाल हुआ तो सबसे पहले मुतल्लिका अफराद को तजहीज़ व तकफीन के इंतजाम के लिए करीबी इमाम बारगाह भेजा गया। फिर उन्होंने उसी वक्त वहीं से जो है
मैसेज भेजा, आदमी भेजा, वो वहाँ पर इमाम बारगाह, और उन्होंने किसी ख़ास उनको बुलाया वहाँ से, मुश्तहिद साहब को, तब उन्होंने उसको जान लिया। इससे पता चलता है कि फातिमा जिन्ना का ताल्लुक शिया मसलक से था। हमारा जो बेसिकली ताल्लुक था वो खोजा जमात से था ना, खोजा जमात में भी तीन जमातें हैं, तो उन्होंने जो है वो इसनाशरी से ज़्यादा मुतासर थी, इसलिए उन्होंने उस पर चलती थी, तो उन्होंने वो शिया मज़हब को अपनाया और पसंद किया, उस पर फॉलो करने लगी उसको। उनकी दो नमाजें जनाजा पढ़ाई गई, एक शिया मसलक के मुताबिक और दूसरी सुन्नी मसलक के मुताबिक। वो रखती थी और उनका तहजीद तफ़्क़ीन जो थी वो उसी लिहाज से की गई थी, शियों के लिहाज से, और उनकी नमाज भी एक नमाज पहले वहाँ हुई थी। पहली नमाज जो हुई थी वो उसी तरीके से अपने हुई थी, और उसके बाद फिर जो वहाँ शहर ले जाकर पब्लिक फ्यूनरल हुआ उनका, लेकिन पहली नमाज जो कि मोहता पैलेस के राउंड अबाउट के वहाँ पर हुई थी वो मेरे सामने हुई। जो मैंने अखबारों में पढ़ा वो यही है कि शायद उनकी दो नमाजें जनाजा हुई, एक शिया मसलक के जो आलिम थे उन्होंने पढ़ाई, एक सुन्नी मसलक के आलिम ने पढ़ाई। इससे इस बात का अंदाज़ा भी होता है कि कायदे आज़म का ताल्लुक भी शिया मसलक ही से था, लेकिन कायदे आज़म ने कभी इसे अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश नहीं की, और अगर कभी किसी ने ऐसा किया भी तो कायदे आज़म ने उसकी सरजनिश की। भाई भट तो थे वो भाई फैमिली, लेकिन ये कि कायदे आज़म तो आपको मालूम है कि वो तो अपने आप को मुसलमान कहते थे, वो इसमें बिलीव नहीं करते थे, ही डिडंट वांट टू डिवाइड द पीपल, वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान डिवाइड हों इस तरह। इस सिलसिले में मेरी एक दफ़ा राजा महमूद अब्बास साहब से बड़ी बात हुई थी, कायदे आज़म ने उनको बड़ा डांटा था एक लिहाज से, क्योंकि कायदे आज़म तो उनके वो भी थे ना, गार्जियन भी थे, तो उन्होंने एक दफ़ा कोई ऐसी बात कर दी थी किसी मीटिंग में और किसी लेटर के अंदर, तो कायदे आज़म ने उनको बड़ा समझाया भी था और डांटा था कि ये इस तरह मत करो, ये कोई वक्त नहीं है कि मुस्लिम कौम को डिवाइड नहीं करना, हमें यूनाइट करना है। फातिमा जिन्ना की तस्वीर के हवाले से काबिल जिक्र बात यह है कि इब्तिदा में मज़ार कायद के अहाते में उनकी तदफीन रोकने की कोशिश की गई, ताहम अवामी एहतजाज के बाद मज़ार कायद के अहाते ही में उनकी तदफीन की गई। असल में वो अलाउ नहीं कर रहे थे ना, गवर्नमेंट के जो लोग थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि यहाँ किसी की तदफीन हो, हालांकि उसके बाद फिर देखें उन राना लियाकत अली खान वो भी वहीं साइट पर उनको उनकी तदफीन की गई, और वहीं फातिमा जिन्ना की भी की गई थी, मगर जाहिर बात है ये ख्वाहिश शायद फातिमा जिन्ना की भी होगी कि जब वो ज़िंदगी में साथ रहीं अपने भाई के तो मरने के बाद भी उनको वहीं जगह मिलनी चाहिए थी। उनकी ख्वाहिश है ठीक है कायदे आज़म के बराबर में उनकी तकसीम की जाए, जबकि उस वक्त की गवर्नमेंट ये इसके हक में नहीं थी, लिहाजा उस छोटे से कराची में, आज का कराची तो 3 करोड़ का कराची है, उस वक्त के कराची में 4 लाख से 6 लाख लोग एजिटेशन के लिए बाहर निकले, हंगामे हुए, आगे लगी, उसके बाद गवर्नमेंट इस बात से तो मानी कि कायदे आज़म के बराबर में उनकी तकसीम कर दी जाए, लेकिन जहाँ तक उनके मर्डर के हवाले से चीज़ थी वो दब गई। फातिमा जिन्ना की पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां और जवाब में उनसे की गई बदसलूकियां तो खैर अपनी जगह, मगर ये एक नाकाबिले तर्दीद हकीकत है कि हमारे मुल्क की मट्टी में कोई ऐसी बात ज़रूर है कि इस धरती पर जिसने भी एहसान किया उसको या तो कत्ल कर दिया गया, या फिर कभी गला घोट दिया गया, कभी जहर दे दिया गया, कभी फांसी चढ़ा दिया गया, कभी सरेआम गोली मार दी गई, और कभी डॉक्टर कदीर की तरह कैद कर दिया गया। और अहम तरीन बात यह है कि इस एहसान फरामोशी की कहानी में ज़्यादातर मरकजी किरदार हमारे फौजी जनरलों ने अदा किया। उसके अलावा एक दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान बनाकर इस धरती पर एहसान करने वाले लाखों शहीदों के वर्षा आज भी अपने हक की तलाश में इस सरजमीन पर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं।